Hello दोस्तों and welcome to MySirG.com. ये है GitHub tutorial for beginners का पहला वीडियो और इस वीडियो में हम बात करेंगे GitHub की, GitHub किस तरह से यूज़ करना है, GitHub पर किस तरह से साइन अप करके उसमें एक रिपोजिटरी बनाना है. तो GitHub के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं. अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, यानी कि एक मैंने सेशन लिया था इंट्रोडक्शन टू GitHub और वो लाइव सेशन था जो मैंने लिया था 22 अक्टूबर 2017 को, और ये वीडियो अवेलेबल है MySirG.com चैनल पर. तो MySirG.com यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ सर्च कीजिए GitHub, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा. इस वीडियो का आप देखिए. ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने GitHub अभी तक यूज़ नहीं किया है, जिन्हें GitHub के बारे में कुछ नहीं पता है. तो अगर आपको GitHub आप अगर उनमें से हैं जिन्हें GitHub नहीं आता है, तो आप पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आप आज का वीडियो देखिए. तो आज के वीडियो में हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल करेंगे, यानी कि हम github.com पर जाएंगे, वहाँ साइन अप करेंगे, एक नया अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद उस अकाउंट में एक छोटा सा प्रोजेक्ट अपलोड करेंगे और देखेंगे कि हम हमारी फाइल्स और हमारे प्रोजेक्ट्स किस तरह से GitHub पर एज ए रिपोजिटरी रख सकते हैं और किस तरह से उसे फिर अपने कंप्यूटर पर यूज़ कर सकते हैं. और जैसा मैंने बताया, ये GitHub ट्यूटोरियल है, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं करूँगा, मैं बताऊँगा डायरेक्ट प्रैक्टिकल. और इसमें रहेंगे शायद टोटल 2 या 3 वीडियोस, क्योंकि आज के वीडियो में हम बताएंगे एक अकाउंट और रिपोजिटरी. उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा आप किस तरह से GitHub सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, और लास्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि GitHub CLI आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस, तो आप कमांड के थ्रू GitHub किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. लेकिन वो सब आने वाले वीडियो में, आज के वीडियो में नया साइन अप. तो चलिए स्टार्ट करते हैं GitHub. तो मैं आया हूँ github.com पर, और github.com पर जब आएंगे आपको ये पेज मिलेगा. यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, एक है साइन इन का, दूसरा है साइन अप का. और यहाँ साइन अप के लिए आपको फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप यहाँ आइए. एक अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी नहीं है GitHub में, तो आप यहाँ पर आकर एक नया अकाउंट बना सकते हैं. तो उसके लिए आपको एक यूज़र नेम देना है, यूज़र नेम यूनिक होना चाहिए. तो अगर आप दे रहे हैं लाइक समथिंग MySirG, क्योंकि मैंने ऑलरेडी MySirG अकाउंट बना रखा है, तो वो आपको मिलेगा नहीं. लेकिन आप कुछ भी ऐसा ऐसा नाम दीजिए जो आपको सूट करता है, या आप जिसका आईडी बनाना चाहते हो वैसा यूनिक नाम दो. यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि वो नेम, यूज़र नेम अवेलेबल है या नहीं है. जैसे ये ग्रीन होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ देता हूँ तो ये ग्रीन हो जाएगा. ओके, सो जैसे ये ग्रीन होता है, यहाँ आइए, देन गिव ईमेल आईडी. यहाँ ईमेल आईडी देने के बाद आप दीजिए कोई एक यूनिक पासवर्ड जो आपको याद रहे, और जैसे ही आप करोगे यहाँ पर साइन अप, वैसे ही GitHub आपको एक ईमेल भेजेगा आपके इस ईमेल आईडी पर. उस ईमेल आईडी में एक लिंक रहेगा, आप उस लिंक पर क्लिक करो तो वो ब्राउज़र में रजिस्टर हो जाएगा, यानी कि आपने अपना अकाउंट कंफर्म कर दिया है. तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं काम करता हूँ, मैं इसमें साइन इन कर लेता हूँ. और साइन इन आप या तो ईमेल से कर सकते हो या फिर यूज़र नेम से कर सकते हो. तो मैं देता हूँ यहाँ पर MySirG और दिया पासवर्ड. जैसे ही आप यहाँ पर साइन इन करोगे आपको ये विंडो मिलेगी. अगर आपका पहले से अकाउंट है और आपने कोई रिपोजिटरी बना रखी है, तो यहाँ पर रिपोजिटरी की लिस्ट आ जाएगी. अगर नहीं है तो आपको यही पेज दिखने में आएगा. यहाँ आने के बाद आप करो स्टार्ट अ प्रोजेक्ट. तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि किस तरह से साइन अप करने के बाद आप अपना एक प्रोजेक्ट बना सकते हो. तो प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट इज सिमिलर टू रिपोजिटरी. ओके, तो आप एक रिपो बनाओगे. रिपोजिटरी में कई बार इसको रिपोजिटरी बोलते हैं, कई बार रिपो बोलता हूँ. सो जब भी मैं रिपो यूज़ कर रहा हूँ, तो आप यही समझिए कि मैं रिपोजिटरी को ही बता रहा हूँ. तो हम यहाँ पर एक रिपोजिटरी नेम दे देते हैं. मैं यहाँ पर देता हूँ इसको एक डमी प्रोजेक्ट. डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, मैंने दिया डमी. यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट. प्राइवेट जो रहता है वो पेड है, यानी कि एक प्रीमियम है. अगर आप
उसको प्राइवेट रखना चाहते हो, यानी कि किसी से भी शेयर नहीं करना है, या फिर उन्हीं लोगों से शेयर करना है जिन्हें आपने अलाउ किया है, तो आप यहाँ पर प्राइवेट क्लिक कर सकते हो। तो प्राइवेट इज पेड, यहाँ पर पूरी आपको क्रेडिट कार्ड, पेपल, व्हाटएवर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देना है। ज़्यादातर पब्लिक, तो मैं पब्लिक ही बताऊँगा, यहाँ किया पब्लिक। उसके बाद यहाँ एक और ऑप्शन होता है, इनिशियलाइज दिस रिपो विद रीडमी, यानी कि वो एक डमी रीडमी फाइल बना देगा। मैं इसको करता हूँ चेक। इसके अलावा यहाँ पर दो और ऑप्शन हैं, अभी मैं इन ऑप्शंस को छोड़ देता हूँ, हम लोग इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ये सिंपली एक लाइसेंस का है, यानी कि बाय डिफॉल्ट इसमें जो प्री डिफाइंड लाइसेंसेस रहते हैं वो यहाँ पर है, तो मैं अभी उसको नन ही रखता हूँ। और हम करते हैं क्रिएट रिपोजिटरी। जैसे ही मैं इसको करूँगा क्रिएट रिपोजिटरी, ये एक रिपो क्रिएट करेगा और हमें उस रिपोजिटरी पर लेकर आ जाएगा। तो ये जो रिपोजिटरी डमी प्रोजेक्ट, और ये हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट का URL जो आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ओके, अभी तो हमने यहाँ पर दिया, यहाँ इसमें कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक readme फाइल है, तो हम इसमें फाइल किस तरह से अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, एक बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट है। इसमें सिर्फ तीन फाइल्स हैं, एक app.css है, app.js है, style.css है और index.html है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आते हैं और हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ क्लिक करते हैं अपलोड फाइल्स। जैसे ही हम लोग अपलोड फाइल करेंगे, या तो ये चूज़ योर फाइल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ आकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो मैं करता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप, और मैंने वो प्रोजेक्ट का फोल्डर जैसे ही यहाँ कॉपी किया, इट इज़ अपलोडिंग 3 files। ओके, और जैसे ही ये फाइल अपलोड हो जाएगी वो यहाँ पर पूरी लिस्ट बता देगा। ये देखिए, ये लिस्ट आ गई, और यहाँ पर हम इसको कमिट कर सकते हैं। कमिट के बारे में आपको पता चल गया होगा कि जब भी हम चेंजेस उसमें अपलोड करते हैं, इट इज़ कॉल्ड कमिट। सो एडेड न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पर अलग से एक और ऑप्शन आया है, और वो ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू ब्रांच, या फिर चेक इन टू डायरेक्टली टू द मास्टर ब्रांच। तो मैं अभी डायरेक्टली कमिट टू मास्टर ब्रांच करता हूँ, एंड आई एम कमिटिंग माई चेंजेस, इट इज़ प्रोसेसिंग योर फाइल। और ये जो भी फाइल्स मैंने डाली थी वो सारी GitHub में पहुँच गई हैं। अगर आपको ये GitHub का प्रोजेक्ट आपके कंप्यूटर पे चाहिए, तो आप यहाँ डायरेक्ट आकर क्लोन या डाउनलोड कर सकते हो, उसकी URL यहाँ पर मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्टली डाउनलोड एज अ zip कर सकते हो। सो ये एक तरीका था कोई भी प्रोजेक्ट को GitHub में डालने के लिए। तो आपका प्रोजेक्ट चला गया है GitHub में, आप डायरेक्टली यहाँ पर आकर भी अपनी फाइल्स को चेंज कर सकते हो। ओके, यहाँ पर फाइल में जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ ऑप्शन आएगा एडिट का, सो आप सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हो। ओके, आगे हम ये देखेंगे कि GitHub को आपके कंप्यूटर पर प्रॉपरली किस तरह से एक्सेस कर सकते हो, यानी कि एक सॉफ्टवेयर होता है GitHub फॉर विंडोज़, वो यूज़ करके, या फिर कोई सा भी Git CLI यूज़ करके, CLI यानी कमांड लाइन टूल। तो आप Git कर सकते हो, Git Bash यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर जो सिंपल है वो है अकाउंट बनाना, आपका प्रोजेक्ट को GitHub में डालना, वो काम हमने कर लिया है। और अब आप ये जो प्रोफाइल है आपकी, अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपको आपकी प्रोफाइल में यहाँ दिख जाएगा कि ओके आपने यहाँ पर कितना कुछ 5 contributions, तो इस तरह का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। आप जैसे ही अपने नाम पर देखिए, मैं वहाँ से यहाँ पर किस तरह से आया, मैंने अपने यूज़र नेम पर क्लिक किया। तो जैसे मैं यहाँ यूज़र नेम पर क्लिक करूँगा, या आपको और दूसरे भी ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपके कितने रिपोजिटरी है, आपका अकाउंट कौन सा है, इसका ईमेल आईडी क्या है, और बहुत सारी इतनी इंफॉर्मेशन है। आप अभी सिंपल इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि आपको अपना प्रोजेक्ट GitHub में किस तरह से डालना है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके एडवांस टॉपिक पर, यानी कि हम बात करेंगे GitHub सॉफ्टवेयर आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको डाउनलोड और यूज़ करना, और उसके बाद हम आगे और भी कॉन्सेप्ट देखेंगे। प्लीज़ शेयर, लाइक, और आप कमेंट कीजिए अगर आपको आपके पास कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।